तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं IQ7 पे HDR एक्सट्रीम टेस्ट करूँगा, ठीक है। मेरा एक महीने से ऊपर हो गया IQ7 लिया हुआ, और आज मैं उसका एक्सट्रीम टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि कोई ग्लिच वगैरह देता है कि नहीं। और आप लोगों को अगर ग्लिच दिखा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो हम पोचिंग के उतरते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस होता है HDR एक्सट्रीम पर। तो चलो देखते हैं। और भाई अभी तक तो कोई लैग वगैरह नहीं दिखा, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को दिखा कि नहीं। और हम लैंड करने वाले हैं पोचिंग में, देखते हैं आसपास कोई बंदे वगैरह है कि नहीं। आसपास भाई बहुत बंदे उतरे हैं, कम से कम 2-3 स्क्वाड हैं। और चलो हम इधर उतर के देखते हैं। मिल गई हमको UMP, और सामने शायद बंदा एक हो रहा, सामने वाले घर में एक बंदा है भाई। चलो देखते हैं। अरे कहाँ उतर रहे हो भाई, संभाल के उतरो, आसपास देख लो कोई बंदा है कि नहीं। और भाई इस मैच में बस ज़्यादा वगैरह किल नहीं करूँगा, बस इस मैच में मैं सब लोगों को दिखाना चाहता था कि HDR एक्शन पर IQ7 कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। और आप लोग को ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं यहाँ पर ज़्यादा किल करूँगा, ठीक है। तो बस आप लोग गेम प्ले इन्जॉय करिए, बस ऐसे ही देखते रहिए कि IQ7 में क्या क्या प्रॉब्लम होता है जब HDR एक्शन पर गेम खेलते हैं। लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी आज तक, अभी तक मतलब। वैसे इंटरनेट का इशू होता है, लेकिन गेम में डिवाइस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। और आप लोगों को पता बताना कि आप लोगों को क्या क्या इशू देखने को मिल रहे हैं IQ7 में। देखिए भाई देखिए कैसा स्मूथली गेम चल रहा है। जैसे आप एक्सट्रीम में गेम खेलते हैं ना, तो जैसे कि एक्सट्रीम में स्मूथ एक्सट्रीम में कोई दिक्कत नहीं देती, एकदम स्मूथली चलता है, वैसे ही HDR एक्सट्रीम में भी IQ7 बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई भी ग्लिच नहीं, कोई भी लैग नहीं, एकदम आराम से चल रहा है। बस मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि मैं जब स्मूथ एक्सट्रीम में खेलता हूँ तो बंदा जल्दी स्पॉट हो जाता है, और जब HDR एक्सट्रीम में खेलता हूँ तो बंदा स्पॉट होता ही नहीं है। बस यही एक दिक्कत होती है मुझे, पर मैं HDR एक्सट्रीम में ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, स्मूथ एक्सट्रीम में खेलता हूँ। बस आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए एक मैच में खेल लिया। वैसे मैं 2-3 घंटा खेल लिया था HDR एक्सट्रीम पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। और एक बात बता देते हूँ आप लोगों को मैं, कि आप लोगों को अगर आईफोन लेना हो, अगर आप कॉम्पिटेटिव खेलते हो तो आप लोग आईफोन ज़रूर लो। लेकिन आप लोग अगर कम्पिटेटिव नहीं खेलते, बस ऐसे ही गेम खेलते हैं यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए बस, तो आप लोग अगर 30,000 के अंदर के आप लोगों का बजट है तो IQ7 बिना आँख बंद करके ले सकते हैं भाई, ज़बरदस्त फ़ोन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को मज़ा आया वीडियो में थोड़ा सा भी, तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Impressive. Awesome. Enemies ahead! Enemies ahead! I'm recalling a teammate. Triple story के ऊपर भी एक बंदा। Thanks. Thank you. कोई नहीं, इधर मैं कॉल कर लूँगा वापस। I got supplies. I got supplies.
फिर कॉल करते हैं।